कौन सा बना रहे हैं आप? रबड़ी बना रहे हैं। रबड़ी बना रहे हैं? लो भाई साहब, ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत नहीं ना ले लेना, ब्रांडर देखने जा रहा हूँ। सौ रुपये देने? सौ रुपये देने तुझे? हाँ हाँ जी, किम टाइड आलू और मटर सुलेमान के साथ शायर हैं ये भी, और हम यहाँ परोठा टेस्ट करने वाले हैं। मैं जीवन में पहली बार ये परोठा खा रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा था। यहाँ पर बड़ी बड़ी वैरायटीज हैं, रबड़ी परोठा और मेवा परोठा यानी ड्राई फ्रूट परोठा, हमने ये दो मंगवाए। एंड आपने देखा ये प्रोसीजर पहले ही कि पहले रबड़ी बना फिर मेवा बना, कैसे बना। और अब आएगा, अब हम चखेंगे और आपको कैसा पता चलेगा। हाँ, तो सबसे पहले आपके प्लेट में यहाँ पर ये डाली जाती है चीज़ें, और ये प्लेट लाया के रख दिया जाता है। तो आइडिया इज टू टेक मिनिमम वन, क्या कहते हैं, वन प्लेट, और वन प्लेट में दो परोठे आते हैं। तो 17 का एक परोठा है अगर आप मामूली परोठे हो तो 80, और अगर आप अच्छे वाले परोठे दो मल्ट तो आप 80 रुपीज़ करते हैं एक परोठे का। और ये परोठे आ गए, और अब ये परोठे हम खा के देखते हैं तो मामला क्या है। रबड़ी, अब ये रबड़ी है और ये ड्राई फ्रूट है और ये गर्म है, और हमारा हाथ अभी चलने वाला है। अभी अपन कोशिश करते हैं, ज़रा ड्राई फ्रूट वाले को ज़रा ज़रा से कि भाई पंखे को दिखा के भाई ठंडा हो जा, ऐसा करके हम कोशिश करेंगे। और इसको किसके साथ खाया जाए यही समझ में नहीं आ रहा, इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मैं सबसे सलीका मन चीज़ करने वाला हूँ कि ये मीठा है, ये पता नहीं क्या है, ये तीखा है, ये सब्ज़ी है, ये कुछ तो है। और सबसे अक्लमंदी का काम होगा कि अगर परोठे का जायका जानना है तो परोठा खा के देखो। तो मैं परोठे ही ऐसे खा रहा हूँ, well, ये भी देखा जाए कि ये जायका क्या है।
ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जी है। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग पिकल है। मूली का अचार है ना? मूली का अचार, हाँ। और ये देखा जाएगा अभी, देखो इसमें काजू आपको दिख रहा है। अभी इसका ऐसे ही, हाँ वो परोठा ही वैसा है पूरा अखंड। इसमें मस्ती है देखो जी, ऐसा होता है खोया, ठीक है। तो अभी अपन दूसरी वाली सब्जी के साथ ट्राई करते हैं। कद्दू की सब्जी है दूसरी वाली, मुँह में जाने पर पता चला कि पूरी बाजार में। और आपने खाया आलू, अब मुझे लगता है रबड़ी को तोड़ के ज़रा देखना पड़ेगा। यहाँ पर तो रबड़ी है नहीं, रबड़ी इज हियर, उसको तोड़ा जाए। और ये टूट रहा है, इधर जाने कैसे, अंदर की रबड़ी अच्छी है तो हम इसको रबड़ी के साथ ही ये देखो अकलमंदी का काम, दो पराठे मिक्स होते हुए, दो पराठे मिक्स हो रहे हैं। ये खोला गया है, यहाँ पर इसमें ड्राई फ्रूट है, इसमें रबड़ी है। ये ड्राई फ्रूट को रबड़ी में घुसेड़ दिया। अभी कुछ मिठाई देते हैं, अब कुछ हम मिठाई खाने वाले हैं। ये रबड़ी और ड्राई फ्रूट, मिठाई के साथ में सब्जियाँ खा रहा हूँ। आमतौर पर सब्जियों के साथ मिठाई खाई जाती है, लेकिन हम मिठाई के साथ में देखो अपन ने खोल दिया इसको, अपन दूसरी सब्जी के साथ खा के देखते हैं। ये सब्जी इंडिपेंडेंटली काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके साथ में इसका कोई तालमेल नहीं। इसका भी मस्त चटनी अपन ने खाई नहीं, पूरी की चटनी है, कपड़ा लगा दे एक बार इस पर, अच्छी है। आ जा आ जा, पापा आ जाओ, आओ तो बैठ लो। और ये है चांदनी चौक की फेमस रोटी वाली गली के अंदर, आप इन्हें ढूंढ सकते हैं, किसी को भी पूछ लो परोठे वाला। किचन में क्या है, क्या ब्रांडा नहीं है, सामने मेन्यू है, मेन्यू में बहुत कुछ है। ये रबड़ी के अंदर काजू पहले ही डला है, काजू के पैसे दे दिए अपन, तो ऐसे करंजी की तरह करंजी की तरह। नाम बड़े दर्शन छोटे मैडम, अंदर भी रबड़ी मैडम ये सोर्ट में से केले निकाल के खाए जा रहे हैं। सारे केले हमने खा लिए, ये भी तुम बताओ ना, फिनिश करो। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है आपका। हाँ अभी हम रबड़ी को पुदीने की चटनी के साथ मिला के देखते हैं कैसा लगता है। बिल्कुल, मतलब आप ये खा के देखिए, बिल्कुल घटिया, कोई चला नहीं, 110% ऐसी बेवकूफ़ी आप मत कीजिएगा,
हम किस में ट्राई करना है? अचार के साथ रबड़ी, कद्दू के साथ भी हम ट्राई करें, कद्दू रबड़ी भी जायके में टूटी है। अभी हम ये वाला रबड़ी वाला टेस्ट अपन मैं बताऊँ कहाँ बेस्ट मिलेगा। हाँ। खाओ खाओ अभी जामा मस्जिद चलेंगे ना, जामा मस्जिद पे जामा मस्जिद मिलता है शाही टुकड़ा विद रबड़ी या रबड़ी विद मैंगो आइसक्रीम। अभी इसको मूली का पाउडर के साथ, मूली का अचार के साथ। बिल्कुल बकवास, ये ऐसे ही खाया जाए तो अच्छा है। ऐसे स्वाद बहुत जबरदस्त, ये रुकना सही है, ऐसा पैसा वसूली है। अगर इसको खाली रबड़ी रबड़ी खा लिया है तो बेहतर, खाली रबड़ी खा तो पैसे थोड़े हमारे बच जाते, लेकिन हमने परोठे में डाल दिए, हमने सारी चीज़ें ट्राई करी है। मस्ती थी, आप ये मस्ती ना करें क्योंकि उसका इस बगैर इस परोठे का इन सब्जियों से कोई वास्ता नहीं, पता ही कोई वास्ता नहीं, फिर भी दी जाती है। हमने 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 जो दोनों परोठे मंगाए थे उन इनका उन दोनों का इन सब्जियों का कोई वास्ता नहीं। ऐसा लग रहा है ये सब्जियों को पास किया जाए, एक्स्ट्रा दिन को मिक्स कर दिया जाए, हमने जाकर चावल में डाल के खा लिया, सालन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये स्पून उठाओ और ये पुदीने की चटनी एक मिला और थोड़ा सा ये वाले सब्जी और थोड़ी सी सौंठ ऊपर से और उधर पे कद्दू के आई है। वो काजू पड़ा साइड पे थोड़ा सा, वो रहा वो रहा वो रहा नहीं नहीं वो रहा। और ये सब मिक्स हो चुका है, बिल्कुल घटिया, एकदम बसर बकवास। हमने खाली कद्दू की सब्जी खा ले तो बेहतर है, खाली अगर अगर अकेले खाए तो हम जो सोच रहे थे घर जाके सालन बनेगा वो बनने वाला नहीं है, लेकिन अगर ऐसे मुख्तलिफ तरीके से अलग अलग करके खाया जाए अच्छा लग सकता है। लगता है रोटी के साथ अगर खा लिया जाए बहुत अच्छा, इंडिविजुअली एक साथ सिचकी, और सिचकी के साथ हम आशा करते हैं बची बची रबड़ी चाट ली जाए, जाके ऐसा लगे कि पैसा वसूल किया हमने। और अब हम चले, अगर आपको आना है एक्सपीरियंस करना तो यहाँ पर है आलू के परोठे, दाल के परोठे, बेसन मेथी के परोठे, मिक्स वेजिटेबल, कॉलीफ्लावर, रेडिश, मूली, मटर, पापड़, परत और गाजर, ये सब 70 रुपये में मिलेंगे। बाकी तमाम पनीर, पुदीना, नींबू, नींबू का परोठा, लेकिन नींबू काट के डाल देंगे, नींबू का अचार नहीं भी अच्छा, नींबू, बादाम, बादाम, काजू, किशमिश, चीनी, रबड़ी, पनीर रोल, मिर्ची, कुरचे, कुरचन, केला, केले का परोठे भी बताए, करेला, खोया, गुड़, भिंडी, टमाटर, काजू, चीनी, चीनी, इन सब के 80 रुपये लगते हैं। अगर आप खाना चाहो तो फिर आप आ जाओ, अगर आप हमारी तरह वीडियो बनाना चाहो तो भी आप आ जाओ। अच्छा हम चलते हैं,